ये देखिए यहाँ पे जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा हाँ तो ये लो आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। और यहाँ से हम लोग का जो जर्नी होने वाला नया सफर होने वाला है मानसा देवी पैदल यात्रा, और देखते हैं हम लोग कितना देर में वहाँ पे पहुँच पाते हैं। और मेरे साथ मेरे सफर में ये रोहित जी है। दर्शन हो गया मानसा देवी से वापस आ गए। आ गए आप? हाँ। कितना देर लगा आपको चढ़ने में? 45 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में। देखिए अंकल जी का उम्र देखिए, और 45 मिनट में चढ़ गए हैं, तो काफ़ी मोटिवेशन मिला है हमको कि हम तो नौजवान हैं, हम तो आधा घंटे में चढ़ जाएंगे क्या। हाँ। लेकिन हम आगे से ही बता रहे थे कि हम थक गए हुए हैं, लेकिन अब चढ़ेंगे। आपने मुझे हौसला बढ़ा दिया अंकल। जीने से ना जाना चाहो तो पैदल रास्ते से जाओ। पैदल सड़क सड़क। अच्छा कैसा लगा वो घूमकर? बहुत अच्छा फसला। तो चलिए गाइस आप लोग बैठे वीडियो में चलते हैं मानसा देवी पैदल मार्ग जो है वहाँ से सफ़र करते हैं, और किस प्रकार से था वो आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। जो यहाँ पे है किस प्रकार जाने की व्यवस्था यहाँ पे है मानसा देवी पैदल मार्ग यहाँ पे है, और कहीं पे रोपवे का भी सुविधा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि रोपवे कहाँ पे है। आए सूरज ब्लॉग सपोर्ट प्रकार की भीड़ यहाँ पे देखे, जितने यहाँ पे लोग आए हैं दर्शन करने के लिए जाते हैं माता का, यहाँ पे प्रसाद यहाँ भैया दे रहे हैं। प्रसाद ले लो, ये यहीं से प्रसाद लेकर जाते हैं भैया का नाम है कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे है वो बिना प्रसाद के खाली हाथ नहीं जाते ना। कोई बात नहीं है, हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और वहीं पर ले लेंगे। इस भाई को प्रसाद पूछ रहे हैं, प्रसाद नहीं ले रहा है, मंदिर पे जाके फायदा क्या है इसका ये बताओ पहले। अच्छा हम कमेंट में जरूर लिखना क्या फायदा है इसका, इतनी दूर से आके आके प्रसाद नहीं ले रहा। चले और यहाँ पे दे रहे प्रसादी ले कर जाना, हम लोग वहीं प्रसादी ले लेंगे। और किस प्रकार से यहाँ पे रास्ते में है, मतलब भाई लोग यहाँ पे बोलते हैं कि प्रसाद लेके, और हाइट काफ़ी ज़्यादा है गाइस यहाँ पे देखिए, बहुत ही हाइट में है। पानी वगैरह लेकर जाना चाहिए बाहर पे हम लोगों को पानी देना। और देखिए गाइस यहाँ पे हम लोग माता का दर्शन करने जा रहे हैं और जबरदस्ती प्रसादी दे रहे हैं। अरे पैसा नहीं है, दे देता वहीं पर लेता, पैसा है ही नहीं। अरे पैसा नहीं है, बात सुनो ना, ये देखिए, अरे पैसा नहीं है मेरे पास, तो पैसे ले लेता ना। अरे पैसा नहीं है, अरे ये गलत बात है, कसम से देना। ये देखिए यहाँ पे जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा हाँ तो ये लो नहीं, हम लोग ये देखिएगा यहाँ पे नहीं है मेरे पास, पैसे ले लेते क्या नहीं। आपका काम है, हम आपको जबरदस्ती में ले रहे हैं क्या? तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे जबरदस्ती करते हैं, भाई हो या बहन जी हो, सभी लोग जबरदस्ती करते हैं कि प्रसाद ले ही के जाइए। हम लोग जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए, और काफ़ी हाइट है। और आप लोग को सजेस्ट करूँगा गाइस कि अगर आप लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं तो पानी वगैरह जरूर ले लें, नहीं तो ऊपर कहीं वायदे में ना मिले तो बड़ा समस्या हो जाएगा। चलिए कोई ना, चढ़ते हैं यहाँ पे और ऊपर से देखिए किस प्रकार से व्यू दिखता है। वाओ पहाड़ जो है मानसा देवी पर्वत, ये सीधा खड़ा है। कैसे भाई जी कैसा लग रहा है अभी चढ़ रहे हैं? तो बस चढ़ रहे हैं, रन हो रही है, लेकिन हम सोच लिया तो चढ़ाई करके ही करेंगे पूरा। हाँ भाई यहाँ ब्लॉगर हूँ मैं। क्या नाम है? सूरज ब्लॉग सपोर्ट। चलो बिहार से? हाँ बिहार से हूँ मैं। आप बताओ कैसा लग रहा है आपको यहाँ का? बिहार से बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस बहुत है, नेक्स्ट लेवल का है। पता है चीज़ क्या है, चढ़ के पहुंचने में ना एक अजीब, भाई का वेट 100 किलो से ऊपर है, लेकिन भाई फिर भी चढ़ रहा है। देखिए यहाँ इनका जज्बा देखिए, जुनून देखिए, और माता रानी के दर्शन करने के लिए क्या जुनून है भैया। पहुंचने में एक अचीवमेंट मिलता है। हाँ वही तो, देखिए यहाँ पे भैया है, ये देखिए यहाँ पे गाइस यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा इनका जो है ना पहाड़ ये पूरा खड़ा चढ़ाइए। तो गाइस हम लोग यहाँ पे बस 100 सीढ़ी चढ़े हैं, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सीन है, ये हम लोग मतलब पहाड़ के टॉप पे हैं, आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन आप किनारे से देखिएगा जब हाइट आपको मालूम चलेगा तो लगेगा कि हाँ हम लोग पहाड़ पे हूँ। और अभी यहाँ से बहुत चढ़ा, मतलब हम लोग हमारा 25% भी नहीं जाते भाभी, 25% भी नहीं चढ़ पाए अभी, जो कि इस प्रकार से मार के बोले। और सारे लोग यहाँ पे जा रहे हैं। कैसे भैया, बढ़िया?
हम पल ये दिल घबराए पल पल।